गुड मॉर्निंग ऑडियंस, आज हम रॉ के सीक्रेट ऑपरेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, देश की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। तो रॉ जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया की एक सीक्रेट एजेंसी है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी, यानी कि 21 सितंबर 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इंफॉर्मेशन ब्यूरो 1962 के भारत चीन युद्ध एवं 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अच्छी तरह काम नहीं कर पाया था, उस समय सरकार को एक ऐसी संस्था की ज़रूरत महसूस हुई जो स्वतंत्र और सक्षम तरीके से बाहरी जानकारियां जमा कर सके। रॉ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रॉ का मुख्य काम विदेशों में देश के खिलाफ होने वाली साजिशों का पता लगाना है और आतंकवादियों पर नज़र रखना इसका मुख्य काम है। तो रॉ के पहले सीक्रेट ऑपरेशन की हम चर्चा कर रहे हैं, इसका नाम है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो क्या था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का नाम था। इसे गुप्त रखने की जिम्मेदारी रॉ को दी गई थी। देश के अंदर किसी प्रोजेक्ट में पहली बार रॉ को शामिल किया गया था। 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में 15 किलोटन प्लूटोनियम का परीक्षण किया और दुनिया के न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गया। पूरी योजना की यूएस, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की खुफिया एजेंसी को भनक नहीं लगी। जब परीक्षण सफल हो गया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। दूसरा जो रॉ का सीक्रेट ऑपरेशन था वो था खालिस्तानी चरमपंथी। 1980 के दशक में भारत के लिए बहुत संकट भरा समय था। आईएसआई, जो कि एक पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है, आईएसआई के समर्थन से खालिस्तानी चरमपंथी अपने सवाब पर थे। उस समय रॉ ने पाकिस्तान और खालिस्तानी चरमपंथियों से निपटने के लिए दो टास्क फोर्स बनाई। एक के जिम्मे पाकिस्तान को निशाना बनाना था तो दूसरे के जिम्मे खालिस्तानी गुटों का सफाया था। रॉ ने न सिर्फ पंजाब की गलियों से खालिस्तान का सफाया किया बल्कि पाकिस्तान के कई बड़े शहरों को अस्थिर कर दिया, जिससे आईएसआई को मजबूर होकर खालिस्तानियों का समर्थन बंद करना पड़ा। और जो अभी लेटेस्ट रॉ का ऑपरेशन है, जो लेटेस्ट ऑपरेशन अब रॉ कर रहा है, उसका नाम है स्नेच ऑपरेशन। कुछ समय से रॉ स्नेच ऑपरेशन कर रहा है। स्नेच ऑपरेशन में रॉ के अधिकारी विदेश में किसी संदिग्ध को पकड़ते हैं और देश के अज्ञात स्थान पर पूछताछ के लिए ले जाते हैं। प्रत्यर्पण की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। स्नेच ऑपरेशन को समझने के लिए अक्षय कुमार की फिल्म बेबी आप देख सकते हैं। तो जो स्नेच ऑपरेशन है, इसमें गुप्त तरीके से पकड़ा जाता है और किसी को खबर न लगे कानों कान, इसलिए उसको गुप्त स्थान पर रखा जाता है। अगला जो रॉ का अभियान है वो है रंग विरोधी आंदोलन। वैसे इस बारे में कोई ठोस सूचना नहीं मिली है कि रॉ दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में रंग भेद विरोधी आंदोलन में शामिल था, लेकिन रॉ ने अफ्रीका महादेश के कई स्वतंत्र देशों के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिया है। कई सेवानिवृत्त रॉ अधिकारियों ने इन इंटेलिजेंस एजेंसियों के प्रशिक्षण संस्थान में भी काम किया था।
अब है ऑपरेशन लीच। भारत शुरू से ही दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की बहाली और मित्र देश की सरकार की मदद करता रहा है। भारत के पड़ोसी बर्मा में पहले फौजी शासन था। वहां लोकतंत्र की स्थापना के लिए रॉ ने वहां के विद्रोही गुट काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी की मदद की। रॉ ने उनको हथियार तक उपलब्ध कराए, लेकिन बाद में KIA से संबंध खराब हो गए और उसने पूर्वोत्तर के बागियों को हथियार एवं प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। रॉ ने बर्मा के इन बागी गुटों की सफाई के लिए ऑपरेशन लीच चलाया। 1998 में 6 टॉप बागी लीडर्स को मार दिया गया और 34 अराकानी गुरिल्ला को गिरफ्तार किया गया। तो ऑपरेशन लीच जो चलाया गया है, ये दक्षिण एशिया के लिए चलाया गया था। अगला ऑपरेशन जो रॉ के द्वारा चलाया गया, ऑपरेशन कैक्टस, नवंबर 1988 में तमिल इलम के पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन तमिल उग्रवादियों ने मालदीप पर हमला किया भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सूचना पर, और उसकी मदद से भारतीय सशस्त्र बल ने उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए एक सैन्य अभियान की शुरुआत की। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जानते हैं। 3 नवंबर 1988 की रात को भारतीय वायुसेना की आगरा पैराशूट रेजिमेंट की 6 बटालियन ने मालदीप से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरी। इस टुकड़ी ने हुलहुल में लैंड किया और माले में घंटे भर के भीतर तब के राष्ट्रपति मोमुन अब्दुल गयूम की सरकार को बहाल कर दिया। सेना की ओर से किए गए इस तीव्र अभियान और रॉ की सटीक खुफिया जानकारी के जरिए उग्रवादियों का दमन हो पाया। अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन चाणक्य। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा समर्थित कई अलगाववादी संगठनों और आतंकवाद को कश्मीर घाटी से दूर करने के लिए रॉ ने ऑपरेशन चाणक्य नाम से एक खुफिया ऑपरेशन चलाया। यह इतना सफल रहा, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के दो धड़ों में बंटने के पीछे ऑपरेशन चाणक्य का हाथ माना जाता है। ऑपरेशन मेघदूत, जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन के लिए यह कोड नाम था। इसका नाम ऑपरेशन मेघदूत था जो सियाचिन संघर्ष से जुड़ा था। 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया यह सैन्य अभियान अनोखा था, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में पहली बार हमला शुरू किया गया। सेना की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कब्जा कर लिया था। इसमें रॉ ने अहम भूमिका निभाई थी। रॉ ने पता लगा लिया था कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर में हमला करने की योजना बना रहा है। अगला जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन कहूटा। 70 के दशक में रॉ ने पाकिस्तान के भीतर अपना अच्छा नेटवर्क बना लिया था, जिससे उसे कहूटा परमाणु संयंत्र की जानकारी अफवाह के तौर पर मिली थी। यह एक आश्चर्यजनक अभियान माना जाता है। कहूटा में नाई की दुकान पर बाल कटवाने आए पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के कटे हुए बालों को चुराया गया। उन वैज्ञानिकों के चुराए गए बालों के सैंपल में विकिरण की जांच की गई, जिससे अफवाह की पुष्टि हो गई। अब भारत को पता चल गया कि कहूटा संयंत्र परमाणु हथियार बनाने के लिए प्लूटोनियम संशोधन संयंत्र था। भारत ने अब स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है। इसके बाद इजराइल सीधे तौर पर कहूटा संयंत्र को बम से उड़ाना चाहता था, लेकिन यहां पर भारत की ओर से एक बहुत बड़ी असावधानी हो गई। हमारे तब के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जो उस समय
जनरल जियाउल हक से बातचीत किया करते थे। फ़ोन पर बात के दौरान उनसे कह दिया कि उन्हें पाकिस्तान की खुफिया अभियान की जानकारी है। इसके बाद पाकिस्तान ने फौरन सभी रॉ नेटवर्क को ख़त्म कर दिया। रॉ और उसके एजेंटों ने जो किया वह कुछ और नहीं बल्कि इतिहास के सबसे कठिन और जोखिम भरे अभियानों में से एक था। तो इस तरीके से हमने रॉ के सीक्रेट ऑपरेशंस के बारे में चर्चा की। आशा करते हैं कि आपको ये अंक पसंद आया होगा। इसी तरह के सीक्रेट ऑपरेशंस की जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। Thank you.